बघण्यासाठी प्रभूभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आमदार सुहास कांदे व शिवसेना पदाधिकारी यांनी मनमाड गुरुद्वारा येथे भेट दिली. गुरु नानक देव जयंतीनिमित्त गुरुद्वारा जाऊन मनोभावे दर्शन घेतले. उपस्थित समाज बांधवांना जयंतीनिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. यावेळी गुरुद्वारा प्रबंधक बाबा रणजित सिंग जी यांचा सत्कार आमदार सुहास कांदे यांनी केला. याप्रसंगी बोलताना गुरुद्वाराच्या माध्यमातून मोठे समाज कार्य होत असते, प्रत्येक सामाजिक अडचणीत गुरुद्वारातर्फे उत्तम कार्य केले जाते आणि याचसाठी भविष्यात गुरुद्वाराच्या विस्तारासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. सोबतच गुरुद्वाराच्या माध्यमातून नियमित होत असणाऱ्या सामाजिक व धार्मिक कार्यासाठी आमदार सुहास कांदे यांनी रोख स्वरूपात 5 लाख रुपये देणगी बाबाजींकडे सुपूर्त केली. यावेळी युवासेना जिल्हा प्रमुख फरहान खान उपस्थित होते. प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजसाठी अझर शेख, मनमाड. गुरु नानकजी जयंती है. मैं सभी मेरे जो भी मनमाड के मेरे बांधव हैं सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ. वैसा देखा जाए तो ये गुरुद्वारा नांदेड़ के बाद में हमारा मनमाड़ का हमको अभिमान है कि नांदेड़ के बाद में जो गुरुद्वारा बना वो मनमाड़ का है. मैं ये नहीं कहूंगा कि पुराने बाबा जी अच्छे नहीं थे, काम नहीं करते थे, लेकिन कभी भी आदमी को उसके काम से चुना जाता है, गिना जाता है. जब से अपने बाबा जी आए तब से गुरुद्वारा का कायापलट हो गया. उसमें से गोर गरीबों को खाना कोई चाहता नहीं. बाढ़ आने दो, गोर गरीबों की नुकसान हो, गोर गरीब बेघर हो, वहां रुकने तो कभी चाह नहीं. लेकिन ऊपर वाला है जो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा वक्त लाता है. सभी अच्छा वक्त देगा जिसके उसके धर्म के अनुसार, जिसके उसके भगवान को भूल जाएगा. कभी तो भी बुरा वक्त आएगा तो भगवान की याद आएगी, भाई गुरु की याद आएगी. तो जब जब हमारे मनमाड़ के ऊपर कुछ बुरा प्रसंग आए, बुरा वक्त आए, तभी तभी बाबा जी के सब लोग ये गुरुद्वारा हमारा बाप बन गए, हमारा पिताजी बन गए, हमारा गुरु बन गए, हमारे पीछे खड़े रहे और हम लोग को जो जो चाहिए. करोड़ा में खाना नहीं मिलता था तो ट्रेन में मनमाड़ में ऐसे एक ही गुरुद्वारा था, मनमाड़ी था, कि उधर हर ट्रेन में हर आदमी को खाना मिलता. बाबा जी ने अभी जो चांदवड़ का गुरुद्वारा था, चांदवड़ की गुरुद्वारा छोटा था, बड़ा बनाने का था, गुरुद्वारा की जगह थी, बाबा जी ने वो भी गुरुद्वारा चालू किया. मैं वाहेगुरु से यही प्रार्थना करूंगा कि बाबा जी को इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे कि जो जो गुरुद्वारा जो पुराने हुए, जो गुरुद्वारा से लोगों की सेवा कम होती है, लोग ज्यादा आते लेकिन सेवा करने में कम पड़ता है गुरुद्वारा, वो गुरुद्वारा बड़ा बनाने में बाबा जी ताकत दे वाहे गुरु. यही मैं वाहेगुरु से प्रार्थना करूंगा, गुजारिश करूंगा वाहेगुरु से. मैं तो ये गुरुद्वारा के सामने मैं बहुत छोटा हूँ, शिवसेना पक्ष भी बहुत छोटा है, लेकिन हमारी तरफ से मैं यही चाहूंगा कि जब साध संगत आज हमारे इस गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव जो हम मना रहे हैं उसमें हमारे इस तालुका के MLA साहब सुहास अन्ना जी कांदे आज यहाँ पर आए हैं. उनके साथ उनके सहयोगी जो उनका पूरा साथ दे रहे हैं, हर तरीके से उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके आधार स्तंभ हैं, उनको साथ में लेकर आए हैं. मैं सबका बाबा रणजीत सिंह जी की तरफ से, सर्व साध संगत की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ. अन्ना एक ऐसे इंसान है कि जब से आए हैं यहाँ पर, भले जिस टाइम पर ये MLA नहीं थे इस तालुका के, तब से इस गुरुद्वारा साहिब से और हमारे बाबा जी से उन्होंने संबंध बनाए हुए हैं. कोई ऐसा मौका नहीं होता जिस टाइम पर वो यहाँ पर ना पहुंचे हो अपनी शुभकामनाएं देने के लिए. सुख दुख सब में यहाँ पर आकर वो अपना शेयर करते हैं और बाबा जी से अपना दिल खोलते हैं. उसके साथ साथ कुछ हमारे साथ भी वो उस तरीके का पूरा तरीके से व्यवहार करते हैं. अच्छा, हमारा आपस में इंटेग्रेशन होता है, हमारी बातें सुनते हैं. अन्ना एक ऐसा इंसान है जिसे कहा जा सकता है कि एक छोटे से कस्बे की बाढ़ से पला हुआ. उनके पेरेंट्स वहां थे,
वहाँ कारखाने में थे, वहाँ पर से ये पढ़े हुआ इंसान, अच्छी एजुकेशन भी इसने, एमए फिलॉसफी है जो इन्होंने नासिक से हासिल की, अपने टाइम के एक अच्छे स्कॉलर थे, और ये कहते कुछ घटनाएं जो कॉलेज की होती हैं उसके हमेशा हेड रहे, उनके प्रेसिडेंट रहे और उनकी रहनुमाई करते, जो कि आज जिन्स के अंदर आज भी है, जो कि वो रहनुमाई हमारी कर रहे हैं। एक ऐसा इंसान है जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि ये एमएलए चुन के आएगा, क्योंकि इनके सामने बहुत बड़े राजा के भी महारथी थे, पर उनको हराने के बाद अगर ये इंसान हमारे सामने आता है तो जितनी इस आदमी की तारीफ की जाए वो कम है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा एमएलए हमारे को मिला है, इतने सालों के अंदर, आज मैं भी कम से कम यहाँ पर 50 साल से रह रहा हूँ, जितने भी एमएलए इतना काम किसी ने किया, जिस इंसान ने थोड़े से स्पैन के अंदर पूरा करके दिखाया और चल भी रहा है, काफी काम पूरे करते हैं, और वो जो आज उनके अंदर है जो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, ब्रिजेस के काम किए इन्होंने, यहाँ के ब्रिजेस खराब हो चुके थे उनको पूरा किया, उनका